नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल में तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कुशल व मंगल होंगे तो दोस्तों आप देख रहे होंगे अभी कुछ एक न्यूज़ चल रही है मार्केट में कि इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर बैन हो जाएंगे भारत में तो दोस्तों क्या है बेसिकली ये पूरी न्यूज़ क्या है पूरा माजरा और क्या है ओ ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म वो सारी चीज़ें हम इसे एक वीडियो में देख लेंगे तो ट्राई करना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखने का इस वीडियो के एंड तक आई होप आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं बेसिकली अभी जो न्यूज़ चल रही है दैट इज़ फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम में फेज़ ए बैन इन इंडिया इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद द न्यू इंटरमीडियरी गाइडलाइंस तो अभी सरकार ने 25 फरवरी को कुछ गाइडलाइंस इशू की थी अगर फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम ने इन गाइडलाइंस को एक्सेप्ट नहीं किया तो दे माइट फेस द बैन तो उनको बैन का फेस करना पड़ सकता है आप देख सकते हैं इन फेब ट्वेंटी द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ एम हैड गिवन ए थ्री मंथ टाइम टू द सोशल प्लेटफॉर्म्स टू कम्प्लाई विद द न्यू आई टी रूल्स तो बेसिकली आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से ही ये बेसिकली इनको बोला गया था इनको कुछ न्यू आई टी रूल्स के ऊपर फॉलो करना था उससे रिलेटेड चीज़ें बोली गई थी तो बेसिकली ये चीज़ें हैं ओ टी टी दैट इज़ ओवर द टॉप ओवर द टॉप सिंपल सी बात समझा देता हूँ कि जो भी चीज़ें आप इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करते हो वो सारी चीज़ें ओ टी टी आती हैं लाइक like आप अगर कोई सोशल मीडिया वेबसाइट चला रहे हो लाइक इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक या फिर इवन व्हाट्सएप ये सब ओ टी प्लेटफॉर्म का ही यूज़ करती हैं क्योंकि यहाँ पे सब इंटरनेट का ही यूज़ हो रहा है बट अभी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है इन्होंने कोई किसी ने भी जो ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है इनको फॉलो नहीं किया बस एक कंपनी है जिसने इसको फॉलो किया है वो मैं आगे बताता हूँ आपको उससे पहले आप देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम में फेस है बैन इन इंडिया इफ़ दे डू नॉट कम्प्लाई विद द न्यू इंटरमीडियरी गाइडलाइंस तो बेसिकली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आगे दिक्कतें आने वाली हैं तो so, आप देख सकते हैं द डेडलाइंस टू एक्सेप्ट द गाइडलाइंस सेट बाई द गवर्नमेंट विल एंड ऑन ट्वेंटी फिफ्थ में बट सो फार नन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर है कंपाइल्ड विद द न्यू रेगुलेशन जेट इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत से न्यूज़ आर्टिकल ने भी इस टॉपिक को कवर किया एक्सटेंसिवली आप देख सकते हैं फेसबुक इंडिया टुडे का आर्टिकल है फेसबुक ट्विटर टू भी ब्लॉकड इन इंडिया ऑन मे ट्वेंटी सिक्स तो क्या कल फेसबुक ट्विटर बैन हो जाएगा वो हम एंड में पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्या सच में वैसा हो सकता है या नहीं हो सकता है तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन सी भारतीय ऐप है जिसने बेसिकली ये जो ये एम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया तो आप देख सकते हैं द इंडियन वर्जन ऑफ ट्विटर जो बेसिकली भारतीय वर्जन है ट्विटर का कू आपने बहुत बार सुना होगा इवन भारतीय सरकार ने भी कू ऐप को बहुत ज़्यादा फेमस भी किया है कू के अलावा वो एक व्हाट्सएप का भी आपको पता होना चाहिए अल्टरनेट लेके आए हैं जिसका नाम है संदेश ठीक है ये चीज़ें आई थिंक आपको पता होंगी जो करंट अफेयर्स अगर आप डे टू डे टच में रहते हो तो आप देख सकते हैं था? इंडियन वर्जन ऑफ उफ... ट्विटर कू इज द ओनली सोशल मीडिया ऐप दैट हैज़ कंपाइल्ड विद द न्यू गाइडलाइंस मे ट्वेंटी 25 डेडलाइन तो so, सिर्फ भारतीय एक एप्लीकेशन है इसने कू जिसने ये सारी गाइडलाइंस थी उनको फॉलो किया है विद इन थ्री मंथ ऑफ द डेट सेटअप बाई द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ये एक अच्छी चीज है कि भारतीय ऐप ने इन गाइडलाइंस को फॉलो किया है नेक्स्ट देखते हैं इट इज़ ए क्रूशियल मोमेंट फॉर द सोशल मीडिया कंपनीज बिकॉज इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद द न्यू रूल्स वाई मे ट्वेंटी फाइव दे वल लॉस देयर स्टेटस एंड प्रोटेक्शन एज इंटरमीडियरीज एंड क्रिमिनल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट एज फॉर द लॉज ऑफ इंडिया तो इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है अगर ये सारी दिशा निर्देश को फॉलो करने से फेल हो जाती हैं तो आप देख सकते हैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड इन स्टेटमेंट सो तो इसमें इससे पहले क्या होता था सपोज करो अगर आपने कुछ कमेंट किया ठीक है या फिर आपने कुछ ऐसा आपत्तिजनक स्टेटस डाल दिया तो उस केस में कौन लाइवल होता था पहले आप लाइवल होते थे बट अगर इस केस में क्या होगा इस केस में ट्विटर ही लाएबल होगा अगर आपने ट्विटर पर ऐसा कुछ पोस्ट किया है तो इन कंपनीज के लिए अभी आप देख सकते हैं कोई भी चैन की सांस नहीं है इनको जहाँ पर कुछ ऑफिसर भी अपॉइंट करने थे वो भी इन्होंने अभी तक नहीं किए तो वही कहना है सरकार का रहेगा

इट इफ़ इट इज़ ऑब्जेक्शनेबल अगर वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक चीज मिलती है इनको या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बिल्कुल भी शेयर करने लायक नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली ये वहाँ से डिलीट कर दी जाएंगी सो सच रूल्स आर नॉट ओनली एप्लीकेबल टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बट आल्सो टू ओ टी टी प्लेटफॉर्म ओ टी टी प्लेटफॉर्म मैं बता चुका हूँ ओवर द टोर मतलब कि जितनी भी जो भी प्लेटफॉर्म जो भी आप चीज़ें इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करते हो सो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स एमेज़ोन प्राइम एंड अदर्स विल हैव टू अपॉइंट ए ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर तो इसी के अंडर जितने भी नेटफ्लिक्स एमेज़न प्राइम यहाँ पे आप जाके मूवीज़ देखते हो या फिर आप हॉट की बात कर लो तो इनको ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर बेस्ड इन इंडिया अपॉइंट करना था हु विल टेक केयर ऑफ द कंप्लेंट्स एंड एक्ट ऑन दैम इन फिफ्टीन डेज़ और उसको भी ग्रीवेंस जो रिड्रेसल ऑफिसर होगा बेसिकली जी आर ओ उसको भी विद इन फिफ्टीन डेज जो भी कंप्लेंट आएगी उसको रिजॉल्व करना है और उसको को, क्वेरी को ख़त्म करना है Next is the government has been of the view that social media platforms don't have a code of self regulation. तो गवर्नमेंट ने इवन ये भी कहा है कि यहां पे कोई सेल्फ रेगुलेशन नहीं हो रही है देयर फॉर इट वॉन्ट्स द कंपनीज टू इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड फॉर्म ए कमेटी टू रेगुलेट द कंटेंट तो अभी सरकार ये भी कह रही है जिसके कारण आलोचना का भी सरकार को सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि यहां पे कुछ ऐसे मंत्री अपॉइंट करने पड़ेंगे जो मिनिस्ट्रीज से रहेंगे जो बेसिकली रेगुलेट कर पाएंगे कॉन्टेंट को तो इसकी ऑलरेडी हमने देखा है काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है बाहर भी इवन सरकार की तरफ से भी क्योंकि बेसिक रीजन क्या है क्योंकि लोगों को लग रहा है यहां पे उनका राइट टू प्राइवेसी है उसके ऊपर दिक्कत आ रही है है ना अब आप कुछ भी शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ वही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सोच समझ के ही करना चाहिए अगर आप कुछ ऐसा कोई भी आपके मन में मोटिव नहीं भी है बट फिर भी जो भी चीजें हैं जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिए हाँ यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्ट होता हुआ देखने को मिले बट फिर भी जो भी ये गाइडलाइंस हैं ये सारी सभी को फॉलो करनी पड़ेगी द न्यू रूल्स आल्सो मैंशन दैट द कमेटी विल हैव द सोल पावर टू टेक एक्शंस ऑन कंप्लेन्ट्स ऑफ वायलेशन ऑफ कोड तो यहाँ पे जो होल एंड सोल पावर है वो जो एक कमेटी बनेगी उस कमेटी को दे दी गई है तो ये दोस्तों देखना होगा आन्... क्योंकि इससे क्या होगा इससे बहुत से हम देखते हैं कभी कभी फेक न्यूज़ भी फैल जाती हैं ये सरकार के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है क्योंकि कभी कभी आप देखते होंगे फ़ेक न्यूज़ की वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होता है या फिर हम देखते हैं कि फ़ेक न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ भी लॉस करती हैं तो सरकार इन सारी चीज़ों को कव करने के लिए ये चीज़ प्रयास उठा रही है तो हमें लगता है जो भी भारतीय सरकार कर रही है वो हम आम आदमी के लिए और हर किसी के हित के लिए ही बातें हो रही हैं जहाँ पर तो डेफिनेटली जितना हो सके हमें इस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए और देखना होगा कल फाइनल आउटकम यहाँ पे सरकार की तरफ से क्या रहता है गवर्नमेंट क्या कहती है क्योंकि इनके तीन मंथ कल कंप्लीट हो जाएंगे तो जो भी कल और डिसीजन रहेगा इनके बैन से रिलेटेड वो हम जो भी अपडेटेड वीडियो रहेगी वो मैं आने वाले टाइम में डेफिनेटली अपडेट कर दूँगा सो so, चलिए दोस्तों जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी और मैंने अपनी तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल